गोरखपुर पुलिस के सामने लॉकडाउन खुलने की चुनौतियों के बीच अब नाइट कर्फ्यू के दौरान पशु तस्करों की चुनौती भारी पड़ रही है। शहर के विभिन्न हिस्सों में पशु तस्करों का मामला सामने आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि समय समय पर पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई चलती रहती है। महानगर में बैरिकेटिंग कर गाड़ियों की तलाशी ली जाती है। इस दौरान संदिग्धों को पकड़ पूछताछ किया जाता है और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। वहीं गुरुवार की रात में पशु तस्करों ने शाहपुर थाना क्षेत्र में पशु चोरी में असफल होने पर पशुपालकों पर पथराव कर दिया, जिसका पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस पशु तस्करों की तलाश कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया। पूछ ले कैसा चाहिए। देखिए चोर, देखिए देखिए, विगत दिनों में कुछ घटनाएं हुई है, इसके चलते शहर के और देहात की पुलिस को एक्टिवेट कराया गया है। यहाँ के अलग अलग गली और रास्तों में पशु तस्कर यहाँ के जो आवारा पशु घूमते हैं उनको उठाने की प्रयास कर रहे हैं, और उस बीच में जो पब्लिक या पुलिस वाले बीच में आ जा रहे हैं उनके ऊपर पथराव भी कर दे रहे हैं और वहाँ से फिर भाग जा रहे हैं मौका देख के। तो इसके चलते अलग अलग जगह पे एसपी सिटी और एसपी रूरल और एसपी नॉर्थ के उनको निर्देशित किया गया। वो सभी लोग बैरियर लगा के अपने फोर्स को खड़ा करके चेकिंग करवा रहे हैं। इसके साथ साथ पुराने घटनाओं में शामिल लोगों को भी कंगाला जा रहा है। आसपास की जनपद से भी पशु तस्करों का आने का सूचना है, तो हम लोग मुखबिर तंत्र भी स्ट्रॉन्ग करके उसे भी जानकारी ले रहे हैं। जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।